एकरा चीज हमका मिले के चाहिए, आदत खराब हो गई, जब तक चार छह जूता हम पाइत नहीं सुधारता हूँ नहीं। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले लम्बरदार के छोटे बेटे मंजीत सिंह का फोन आया है कि वो लंदन से बास्टी पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने, दोनों भाई भाई का ला के इकट्ठा करूँगा, ओके बाद भाई भाई में खोपड़ी फोड़वाऊँगा, वैसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनारा, वह पढ़ा लिखा इनके धरी नरी बलात। अब मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर लेकर हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह, आज हम लंदन से बैरिस्ट्री पास करके अपने हिंदुस्तान आए हैं। मैंने पिताजी के पास फ़ोन किया था कि किसी सिपाही को भेज देना एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। थोड़ी देर तक मैं उसका वेट करूंगा, अगर नहीं आएगा तो दोबारा फ़ोन लगा कर पता लगाऊँगा कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्होंने सिपाही को नहीं भेजा गए। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर, अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब अमेरिका वाले खड़े हैं, ये सब चाइना वाले जा रहे हैं, ये सब न्यूजीलैंड के मुंडा हवाई बैठ है। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं, हमार भैया कहाँ गए जिनका हम वो रख रहे हैं, यार कहाँ गए हो? अरे यार नवा शिकार, यार क्या नवा शिकार, यार नवा शिकार नहीं, नमस्कार नमस्कार, कहाँ रहे हो यार? 15 घंटा सो रख रहे हैं बाहर। कितने घंटे से? 15 घंटा। इसका मतलब कि आप हमारा यहाँ पर कल से वेट कर रहे हैं? 15 मिनट। 15 मिनट, आधे घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और कह रहे हो कि 15 मिनट। 15 सेकेंड यार। ए भैया क्या है, लंदन गए रहो? जी हाँ। पास हो गए हो कि नहीं भाई? क्या बीघा खेत छपाए हैं हम, गोवा नहीं ना, पास हो गए हो, दवा दे झूठी मिले यार। क्यों मुझे गोबर खाद समझ रखा है क्या? पास हो गए? अरे पास नहीं, पढ़ाई करके पास हो गया हूँ। पास हो गए हम कहीं? पास हो गए हो, क्या बन गए? बैरिस्टर, सबसे बड़े वकील। जी हाँ। अब तो छिनरई करे मजा आई, अब दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चला रास्ता बनाएंगे गिराए के मारब, जौन वही मुकदमा लड़ेगा माँ भैया वही। बस सही कह रहे हो, संया भय कोतवाल अब डर का ही का, लेकिन भूल कर कभी किसी के संग में झगड़ा नहीं करना, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कभी किसी लड़की के संग में छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना पड़ जाए। तो हरे पहन कौन फायदा, इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुए हैं तुम यार, हम अहिन का मेरे रुआई हो। फायदा ये है क्या कि अगर आपसे कोई झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लंदन कहा गए हो, बड़ी बड़ी बात है सीख ली हो यार, वैसे अब बड़े हो गए हो, चलो बड़े बाबू कह के तुम्हार ब्याह कराई, तुम्हार मेहरारू आवे, हमका बड़कऊ का है मौका छुई छाइया। हमारी वाइफ आएगी आपको क्या कहेगी? हमका बड़कऊ का है मौका चुप्पे चुप्पे छुई लूंगा। अकल के दुश्मन, हमारी वाइफ तुम्हारी भैयो हुई और अपने हिंदुस्तान के रीति रिवाज द्वारा भैयो को छूना नहीं चाहिए। अगर आपने उसे जरा सा भी भूल कर भी टच कर दिया तो आपको उसके सारे जिस्म के कपड़े देने पड़ेंगे,
मतलब तुहे को वाली का हम छू नहीं सके जी नहीं, और हमारे वाली का तुम्हारी वाली के पास तो हम आराम से सो भी सकते हैं। बहुत सही नियम है, हमा वाली इनका बांटे, इनके वाली हमका जांटे। तो क्यों बड़े बने हो, छोटे बनना था तो छोटका वही तो हो वही कहा ए भैया क्या है। चलिए आपके माई इंतजार कर रही हैं, बाबू इंतजार कर रही हैं, भैया इंतजार कर रही हैं। चुप 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 चुप। लेडीज और जेंट्स में कुछ फर्क ही नहीं है। हमका का अरे माँ इंतजार कर रही हैं, रही हैं, बाबूजी इंतजार कर रही हैं, रहे हैं, और भैया इंतजार रही हैं, रहे हैं। पढ़ा कम है ना, लाओ एमा पाथर भरे रहे हो का यार, करे जे मला घाचा से। जी नहीं, उसमें फाइल और हमारे कपड़े हैं। कपड़े वाकई में बहुत दिनों के बाद अपने हिंदुस्तान वापस आया हूँ। हाँ भैया, बड़ी बेसब्री के साथ मेरी माँ, मेरे बाबूजी और हमारे बड़े भाई नगराज इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारा भाई, हमारा बेटा घर वापस आ रहा है। हाँ, इसी वक्त हम लोग भैया हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। हेलीकॉप्टर पंचर हो गया और उसमें हवे वाली पहिए कहाँ है? लगा तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। पैदल चलते आइए, हम ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। कौन सी बगिया? जिन्होंने गाना सुनाया है, आज वही गाना सुनूंगा। बहुत पुरानी बात याद रखते हो, क्यों? मुद्दत के लिए। इसका मतलब कि हम लोग कुछ कहते हुए चले, कहते चलते हैं, ताकि अपना सफर भी कट जाए। हाँ। और हम लोग मंजिल तक भी पहुंच जाए। और इस सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बताऊं, मैं घाटमपुर के रहने वाली हूँ। मैं प्रताप सिंह, मेरे पिताजी का नाम है प्रताप सिंह, मैं उनकी अकलौती बेटी प्रिया सिंह हूँ। आज मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। आए हवा मेरे संग संग चल, पंखा गन्ना आ रहा है। हे भैया,
तुम हुआ कहाँ से वहाँ रहे हो, पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गया। हेलीकॉप्टर हो गया, चूर हो गया है। हेलीकॉप्टर से आ रहे थे क्या? तुम्हें हेलीकॉप्टर की लगी है और हम लोगों की वजह से उस बेचारी के पैर में चोट लग गया है। चोट लग ओके टोच ला चोट। हाँ यार ये तो बररी जाते हो, घटका करियर पाए गया। पूछनी हो गई तो वहाँ क्या करने जाते हो? सौहावन इसमें बहुत बड़े माहिर हो ना देवी जी। एक तो पूरी गुड़िया टर गई और उनसे ज्यादा तो तुम्हारी गुड़िया टर गई है। देवी जी हम लोगों की वजह से आपको बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा है। ये क्या कर रहे हैं आप? हम अपनी गलतियों की आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो कसूर। और लावो मैं दाब दूं पैर, ऐ कमीन तर बतलाइए, दिल मेरा हैरान है। गिरने वाली हो कहती क्या तुम्हारा नाम है, जल्दी तर बतलाइए दिल मेरा हैरान है। और चितम अफसोस है तेरी बोलिए देवी जी आपका नाम क्या है, आप रहने वाली कहाँ की हैं और आ कहाँ से रही और आप जा कहाँ को रही हैं? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं बाबूजी? जी हाँ, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी। ओ आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पूरी जोर है। मेरी नजर और कहीं, केवल जिस मेरा इस ओर है। और आप चिंता न करिए जिगर दरिया, आप चिंता
पायल हुई तेरी ऐ महरुआ पैर मेरा दाब कर एहसान इतना कीजिए नाम है प्रिया हमारा दिल में बसा लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कहती हूँ बाबूजी। ओ पैर मेरा दाब कर एहसान इतना कीजिए नाम है प्रिया हमारा दिल में बसा लीजिए और इतना रहमो करम ना करो बाद बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ को जा रहे हो? देवी जी हाँ हमारा गांव सोलापुर है। क्या सोलापुर? ये सोलापुर के हैं हम गोलापुर के हैं। ये गोलापुर कहाँ पर है? गोलापुर नहीं जानती। मैं क्या जानूँ? सोलापुर के बगल नहर नहर के सड़क सड़क के चक्रो चक्री बगिया बगिया के बतला दिया ऐसा रास्ता बताए तो वो पहुँच ही न पाऊंगा। सात जन्म ले लेंगे फिर भी नहीं पहुँच पाएंगी। हम सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मनजीत सिंह। क्या मनजीत सिंह? मनजीत सिंह आईएम जिला जीत। देख रही हूँ जिला जीत सिंह। आज हम लंदन से बैरिस्ट्री पास करके अपने हिंदुस्तान आए हैं। आपसे मुलाकात हुई और काफी बातें भी हुई और काफी समय हो गया है। अच्छा मैडम जी अब हम जाना चाहते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? प्यार मनजीत सिंह दिल मेरा जीत कर तुम कहा जा रहे साथी अपने मुझे ले चलिए सनम मुझको पागल बना कर कहा जा रहे जी आप मुझे ऐसे अकेले में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आपने अपना नाम क्या बतलाया था? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह।